हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस, ये है अजमेर व्लॉग का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप वो भी देख लो जाकर। तो अभी हमारा ये रास्ता चल रहा है तारागढ़ का, अभी तक तारागढ़ का रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। चप्पलियाँ रखो, रुमाल टोपी सर पर रखो, दुपट्टा सर पर रखो। तारागढ़ की जगह आ गई, मेरा सैयद हुसैन या कोई पैसा नहीं भाई, फ्री ऊपर आके स्टैंड पे रखो। अंदर जाके टूटी गिलास से पानी पी लो। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए तारागढ़ की दरगाह। गाइस, हम तारागढ़ आ गए थे। तो तारागढ़ आने के बाद पहले हमने दरगाह में गए थे, अब उसके बाद हम खाना खाने जा रहे हैं। कुछ सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। भूख लग रही फरमान जी? बिल्कुल। कितनी? बहुत सारी। चलो आओ खाते हैं। यहाँ हम सब बैठे हैं और खाने का वेट हो रहा है। तो हमें उन्होंने कुछ खाना दे दिया था जो हमने ऑर्डर करा था, बाकी अभी और खाना हमारा बाकी था। हम वेट कर रहे थे वो खाना कब आएगा और हम सब पेट भर के खाना खाएंगे। तब तक मैंने सोचा कुछ शूट कर लेती हूँ। तो ये वहीं की क्लिप है। तो गाइस, तारागढ़ हम जब गए थे तो आपने देखा कि हम रास्ते से गए थे, मतलब हम चलकर गए थे, और आते वक्त हमने वैन कर ली थी। ये है हमारी वैन। तो हम आते वक्त इस तरीके से इस वैन में आए थे, और ये है आते हुए का रास्ता। तो आप देख सकते हो रास्ता कितना खूबसूरत है। तारागढ़ से आ गए हम, और तारागढ़ से आने के बाद अभी हम मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, इसलिए सिर्फ हम शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी हम किसी भी जगह नहीं घूम पाए। और 2 बजे की रात की हमारी ट्रेन भी है, तो इस वजह से हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। आप शॉपिंग देखिए हमने क्या क्या की। कैसा हो रहा है अंदर से? ऐसी है क्या? ये मैंने 2 स्टॉल पसंद किए थे, कलर भी यही पसंद किए थे। तो अंकल के पास बाकी और कलर भी अवेलेबल थे, तो वो बोल रहे थे कि उनके पास और भी कलर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बस वो अंकल वही दिखा रहे हैं कि उनके पास ये सारे कलर ही अवेलेबल थे, लेकिन मुझे वही दोनों पसंद आए जो मैंने पहले देखे। इस शॉप से हम बच्चों के लिए सैंडल्स ले रहे हैं। सामान खो गया था हमारा, मिल गया वो तो मुश्किल। तो गाइस, इनका सामान खो गया था। भाई देखने तो दो ना। गाइस, यहाँ पर वॉच में मैं कंफ्यूज हूँ, दोनों में से मैं कौन सी लूँ। तो आखिर मैंने डिसाइड कर ही लिया बहुत देर बाद, तो मैंने ये वाइट वाली ले ली।
यहाँ से हम मिठाई ले रहे हैं जो हमें घर आने के बाद बाकी सब रिलेटिव्स को देनी थी, तो उस सभी मिठाई के हमने यहाँ पर डिब्बे बनवाए हैं। ये देखो हमने जो फोटोशूट कराया था वो सब हमारे सबके फोटोज आ गए। तो गाइस हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करके हम यहाँ पर आ गए होटल में जहाँ पर हमने स्टे किया था। तो अब यहाँ अब हमारी घर जाने की ट्रेन 4 बजे की है, तो हम 12 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। खाली कर दिया हमने रूम, अब हम जा रहे हैं। क्या कर लेता हूँ, खुद खोल लेते हो आप लिफ्ट? चलो खोलो, चल रहा है घर। अभी नहीं आपको खोलनी? अभी नहीं जोन, अभी नहीं, जब मैं बोलूँ जब खोलना नहीं तो फिर वो खराब हो जाती है। अभी ना खुल नहीं पाएगी आपसे। हाँ, अभी नहीं खुलेगी, जब पापा बोलेंगे ना फिर खुल जाएगी एकदम। आप बहुत स्ट्रांग भी हो। आप खोलो अरे सवाल तुमने तो खोल दी। चलो 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 चलो। हाँ भाई हाँ, जॉन ने तो लिफ्ट खोल दी। तो खोल दिया तो बहुत अच्छे बच्चे। बाय बाय कर दो जॉन, यहाँ से जा रहे हैं हम। बाय कर दो। बाय कर दो यार, फोन में देख के। बाय बाय तो बोलो। बोलो बाय बाय। नीचे जा रही है, हम घर जा रहे हैं ना। म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक है इसमें। ये खोल तो दो, खोलो जल्दी खोलो। हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। देखो कितना सारा पानी आ रहा है यार, उधर पानी देखो, पानी जब हम यहाँ पर आए थे तब भी बारिश हो रही थी, और अब यहाँ से जा रहा है तब भी बारिश हो रही है। बारिश को हमने बहुत इंजॉय किया। अगर आपने मेरी ये रील नहीं देखी तो ज़रूर देखना, आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी। मज़ेदार बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है बारिश में बहुत। अल्लाह हाफिज, बिस्मा, जरूर लेना ब्लॉग में मुझे जरूर, फिर मिलेंगे बिल्कुल। हाय गाइस, तो हो गई है शाम, सुबह आ गए थे हम अपने घर 11 बजे तक। तो ये था हमारा 2 दिन का ट्रिप। अजमेर में हम 2 दिन रुके थे, और दोनों दिन हमारे बस दरगाह जाने में ही निकल गए। हम कहीं भी घूम नहीं पाए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था, और बाकी हमें शॉपिंग करनी थी तो हमें उसके लिए भी टाइम चाहिए था, तो हमने बाकी टाइम में शॉपिंग की थी। अगर हमें शॉपिंग नहीं करनी होती तो हम बाकी जगह घूम भी सकते थे उस टाइम। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने वहाँ से क्या क्या ख़रीदा है। अजमेर से हमने सारी शॉपिंग की है। ये 2 स्टॉल लिए हैं, और ये बच्चों के लिए सैंडल, और मैंने अपनी अम्मी के लिए सूट लिया है, एक वॉच ली है, और ये ब्रेसलेट और रिंग,
ये मैंने अपने दोनों भाइयों के लिए ली है और ये बाकी सबको देने के लिए हमने मिठाई ली है और मैंने ये एयरिंग भी वहीं से लिए थे। तो गाइज़ ये था मेरा अजमेर का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।